नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्की पांडे और स्वागत है आप सभी का आप ही के यूट्यूब चैनल एसपी जीवन मंत्रा में। दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारी फैमिली को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो की भावनाओं में खो जाते हैं और फिर लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये दिल को छू लेने वाली एक सच्ची घटना है। पूरी कहानी, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, जिससे आप लोगों को इस कहानी का जो दर्द छुपा हुआ है वो ठीक तरीके से समझ आए। दोस्तों, ट्रेन चलती रहती है, टीसी आता है और पूछता है टिकट कहाँ है। करीब 12-13 साल की लड़की जो सीट यानी बर्थ के नीचे छुपी हुई थी, कांपते हुए होठों से बोलती है, साहब टिकट तो नहीं है। तो बोलता है, चलो गाड़ी से नीचे उतरो। पीछे से एक आवाज आती है, मैं दे रही हूं इसका टिकट, प्रोफेसर भट्टाचार्य जी का। लड़की से पूछती है, तुझे कहाँ जाना है? वो कहती है, मुझे पता नहीं, कोई नहीं है मेरा और मुझे कहाँ जाना है ये मुझे खुद मालूम नहीं। वो कहती हैं, ठीक है बेंगलोर तक मेरे साथ चलो। बेंगलोर तक उसे लेके जाती हैं और किसी एक स्वयंसेवी संस्थान को उनकी पहचान का रहता है, वो उसे वहाँ पर दाखिल करा देती हैं। दोस्तों, प्रोफेसर साहिबा का ट्रांसफ़र दोस्तों दिल्ली हो जाता है। तो वो कभी कभी ही चित्रा से बात कर पाती हैं। दोस्तों, उस लड़की का नाम चित्रा रहता है। समय गुजरता रहता है, कुछ दिनों के बाद प्रोफेसर साहिबा जाती हैं अमेरिका, उन्हें किसी लेक्चर में जाना रहता है। दोस्तों, लेक्चर ख़त्म होने के बाद वो अपने होटल आती हैं, होटल में ठहरती हैं और दूसरे दिन वहाँ से जब चेकआउट होता है उनका और निकलती रहती हैं, जब काउंटर पर बिल देने के लिए जाती हैं तो वहाँ पर एक खूबसूरत दंपत्ति रहती है और कहते हैं कि मैंने आपका बिल पेड कर दिया। प्रोफेसर भट्टाचार्य कहती हैं कि आपने मेरा बिल क्यों पेड किया? तो वो दंपत्ति जो वहाँ पर रहती है वहाँ पर कहती है कि मैडम, आपका ये बिल जो है, मैडम ये आपका बिल जो है मुंबई से बेंगलोर तक के टिकट के आगे कुछ भी नहीं है। दोस्तों, वो दंपत्ति, वो खूबसूरत दंपत्ति कोई और नहीं, इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरमैन मिसेस सुधा मूर्ति और उनके हस्बैंड मिस्टर नारायण मूर्ति थे। दोस्तों, कभी कभी हमारी छोटी सी हेल्प, छोटी सी की हुई सहायता बहुत बड़ा रूप ले लेती है, किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। तो दोस्तों, कोशिश करिए कि हम भी किसी न किसी रूप में जो हो सके हमसे वो कुछ किसी न किसी के लिए करते ज़रूर रहें, करें यदि हमसे कुछ हो सकता है तो। दोस्तों, इस कहानी का सार बस इतना ही कि कभी कभी जो हम बहुत मायने नहीं रखती, कोई धनराशि या कोई सहायता जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने ना रखती हो, लेकिन वो किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। दोस्तों, परमात्मा आपको खूब खुश रखे, प्रसन्न रहें, सदा निरोग रहें, स्वस्थ रहें और परमपिता परमेश्वर हम सभी को किसी की मदद करने के सामर्थ्य प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। तो दोस्तों, हेल्प करते रहिए, क्योंकि हेल्प करने से आप भी सुखी होंगे
और किसी दूसरे की ज़िंदगी भी बदल सकती है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना खूब ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।